Hello friends, welcome to Racecourse Academy. I am RV Singh and today we will start our session number 5 about trapezium. तो हमारे mensuration 2D के sessions चल रहे हैं, ठीक है? First session में हमने square के बारे में किया, second में हमने rectangle के बारे में, third में हमने parallelogram के बारे में और fourth में rhombus के बारे में. तो आज ये हमारा 5th session है, ठीक है? तो हम जैसे कि पहले step by step हम करते हैं, तो first of all we will डिस्क्राइब अबाउट द जियोमेट्रिकल पार्ट, ठीक है? उसके बाद हम मेंसुरेशनल पार्ट पे चलेंगे. तो ट्रेपीजियम भी दो तरह के होते हैं. तो पहले हम फर्स्ट टाइप वाला करेंगे और बाद में सेकंड वाला, ठीक है? ये इसकी पैरेलल साइड्स हैं, ये अनपैरेलल साइड्स हैं, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये इसके वर्टेक्स आगे ए बी सी एंड डी, ठीक है? तो इसमें क्या है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है, ठीक है? जो सेकंड टाइप होती है वो होता है आइसोसेल्स ट्रेपेजियम. उसमें क्या होता है, जो ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये भी इक्वल होती हैं, ठीक है? तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पर क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इसमें और उसमें बस डिफरेंट है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमारी, ये दो डायगोनल होगी सी और बी और ए और डी. डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इन इक्वल रेशियो, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है. जो डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल रेशियो में होती हैं, क्योंकि अगर आप इन ट्राइंगल्स को सिमिलैरिटी से प्रूव कर दो सी ओ डी और ए ओ बी, ठीक है? तो कॉन्ग्रुएंसी जब दो ट्राइंगल्स में हो जाती है तो जो उसकी साइड्स होती हैं उनकी रेशो इक्वल हो जाती है, ठीक है? तो आपको याद रखना है जो सी ओ अपॉन ओ बी और डी ओ अपॉन ओ ए ये इक्वल रेशो में होती है, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है. और सेकंड, अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो ये पैरेलल लाइन है, क्योंकि हमने हमें पता है कि ये दो पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है, ट्रेपेजियम में, और दो नॉन पैरेलल साइड्स जो हम ट्रेपेजियम में भी डिस्कस कर रहे हैं, मतलब दो ये वाली नॉन पैरेलल साइड्स होगी और दो पैरेलल साइड्स होगी इसकी. तो इसके बीच अगर आप देखोगे तो ए ओ बी, ए ओ बी भी एक ट्राइंगल बन रहा है, और सेकंड वाला ए डी बी, ठीक है? तो ये एक प्रॉपर्टी बन रही है कि टू ट्राइंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस विद कॉमन बेस. दो ट्राइंगल्स हैं ए सी बी एंड ए डी बी, तो इनका बेस क्या है, कॉमन है ए बी, और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइन है जो उन्हीं के बीच है, सेम ही, ठीक है? तो क्या होगा इसमें, इनका एरिया इक्वल होगा, ठीक है? ये थ्योरम ही है, ये आपको याद रखनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड डी, ठीक है? इसका रीजन क्या है, ट्राइंगल्स विद कॉमन बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है, इसीलिए उनका एरिया क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है हमेशा. ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ये आप नोट डाउन करते हैं ना, ठीक है? वीडियो को चाहे पॉज कर लेना, चाहे इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, कई बार फैक्ट पे ही आंसर क्वेश्चन आ जाता है, तो फैक्ट अगर आपको पता ही ना हो तो फिर आप आंसर करना मुश्किल हो जाता है. हमारे पास ट्रेपेजियम है ए बी सी एंड डी, अगर इस पोर्शन का ट्राइंगल ए ओ डी का एरिया हमारे पास है ए, ठीक है, और बी ओ सी का एरिया हमारे पास है सी, और ए ओ बी का बी, और इस वाले का डी, तो हमेशा याद रखना एक रिजल्ट है, इसका एरिया ए है, इसका सी है, और ये बी है, और ये डी.
तो ए इंटू सी इक्वल टू बी इंटू डी, हमेशा ये रिजल्ट होगा इसका। इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का प्रोडक्ट इन दोनों ट्राइंगल के एरिया के प्रोडक्ट के इक्वल होगा हमेशा, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। हमारे पास ट्रेपेज़ियम है, और दो डायगनल्स हो गई उसकी, और डायगनल्स के मिड पॉइंट, ये वाले डायगनल्स के मिड पॉइंट है, इसको हम नाम दे देते हैं ई और एफ। तो हमें पूछा जा सकता है कि ई एफ की लेंथ, ठीक है, इसका भी रिजल्ट है, ये इसके फोर वर्टिसेस वर्टिसेस हो गए, ठीक है, ए बी सी डी, और हमें डायगनल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ई एफ, इसकी लेंथ पूछी जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या रिजल्ट है? हाफ डिफरेंस ऑफ पैरेलल लाइंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ई एफ। ये आप हमेशा रिजल्ट याद रखना कि आपको पैरेलल साइड्स दे दी जाएंगी और दोनों डायगनल्स का मिड पॉइंट दे दिया जाएगा, उनको ज्वाइन करके वो आपको उस मिड पॉइंट की जो ज्वाइनिंग लाइन है उसकी लेंथ पूछेगा। तो वो क्या होगा? दोनों पैरेलल लाइंस का डिफरेंस और उसका हाफ, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी, ये एज इट इज रिजल्ट्स ही हैं जिनमें आपको वैल्यू पुट करके डायरेक्टली आंसर पता चल जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है, नॉन पैरेलल लाइंस को ज्वाइन करती हुई लाइन, तो हमें इसकी लेंथ पूछ सकता है वो। तो इसकी लेंथ का रिजल्ट क्या है अगर हमें ई एफ की लेंथ फाइंड करनी है? तो हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इज द इक्वल टू द लेंथ ऑफ ई एफ, ठीक है, हाफ इंटू इन दोनों का सम करके उसका हाफ कर दो बस, हमें इसकी लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको याद ही रखना है एज इट इज। तो अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमें ट्रेपेज़ियम की पैरेलल साइड्स के लेंथ गिवन है, ठीक है, तो जो ए ओ बी और सी ओ डी, ठीक है, इसका हमें एरिया उसने पूछा है, ए ओ बी और सी ओ डी का एरिया पूछा है, और हमें जो पैरेलल लाइंस हैं उनकी लेंथ गिवन है, ठीक है, तो उसका एरिया क्या होगा? इनकी जो लेंथ है इसका स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स ए ओ बी और सी ओ डी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पे जेड बनती है, तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हुआ और ये वाला भी इसके इक्वल हुआ और बीच में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी जो इनकी जो साइड्स हैं वो क्या होगी? इक्वल रेशियो में। तो अगर हमें एरिया पता करना है तो साइड का स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू द स्क्वेयर ऑफ देयर साइड्स, ठीक है, जो उनके साइड्स हमें गिवन होगी ट्रेपेज़ियम की, जो ये वाली पैरेलल साइड्स है इनकी लेंथ हमें गिवन होगी, और इन ट्राइंगल के एरिया अगर वो पूछे तो वो जो गिवन साइड्स हैं उसका स्क्वेयर ही होता है। अगर हमें एरिया गिवन है साइड के बारे में पूछा है तो क्या होगा? तो इनका रूट, एरिया देके अगर साइड्स के बारे में पूछा तो, ठीक है, ये भी याद रखना है। कन्वर्स भी पूछ सकते हैं, अगर साइड्स गिवन है एरिया पूछा तो उनका स्क्वायर, अगर एरिया गिवन है और साइड पूछा तो उसका रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट, ये भी एक प्रॉपर्टी है।
तो अब हम बात करेंगे आइसोसेल्स ट्रापीजियम की। ठीक है, आइसोसेल्स होता है जिसकी दो अनपैरेलल साइड्स भी इक्वल हों, जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये भी इक्वल हों, तो उसे हम बोलेंगे आइसोसेल्स ट्रापीजियम। ठीक है, तो इसमें इसके वर्टेक्स का हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर एंड एस। तो इसमें क्या क्या है, पी और क्यू आर और एस के पैरेलल है, ठीक है, और पी आर क्यू एस ये इक्वल है, ठीक है, और इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एस और एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, तो हमें ये भी प्रॉपर्टी पता है कि एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जो उनका सम कितना होता है 180। ठीक है, पी और आर का सम 180, पी और क्यू का सम भी 180। तो अगर आर और क्यू का भी सम हम ऑपोजिट एंगल्स का भी सम करेंगे तो भी कितना होगा 180। ठीक है, क्योंकि हमने अभी किया है ना, जो R है वो S के इक्वल है, जो Q है वो P के इक्वल है। अगर R और P का सम 180 है तो P की जगह हम Q भी पुट कर सकते हैं, तो R और Q भी क्या हुए 180 के इक्वल, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180। अगर इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो गया तो ये एक साइक्लिक ट्रेपीजियम भी हो गया। ठीक है, साइक्लिक कौन सा होता है, जो जिसके जो सारे वर्टिसेस हैं वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हो। ठीक है, इसको हम साइक्लिक भी बोल सकते हैं, साइक्लिक ट्रेपीजियम, ये याद रखना आप। ठीक है, और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर हम R से Q को ज्वाइन कर दें और P से S को ज्वाइन कर दें तो जो ये डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करती। ठीक है, ये इक्वल जरूर हैं, मतलब D1 इज इक्वल टू D2 हैं, लेकिन ये डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करती, ये याद रखना है आपने, ये भी रिजल्ट है। और एक और है, मैं आपको रिजल्ट बताता हूं जिस पे बेस्ड डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो होता है सम ऑफ, ये रिजल्ट ही है, ये आप याद रख लेना, सम ऑफ डायगोनल्स का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स प्लस 2 इंटू पैरेलल साइड्स, ये रिजल्ट है, आपको ये याद रख लेना है। इसमें से वो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन वो मिस कर सकता है और आपको इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। सम ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स कौन सी है, पी एस एंड क्यू आर, पी एस प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, पी आर प्लस क्यू एस का होल स्क्वायर और पैरेलल साइड्स प्लस 2 इंटू पैरेलल साइड्स पी क्यू इंटू आर एस। ठीक है, तो इसमें आपको पता है अभी हमने किया कि जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होती हैं, तो इसे हम 2 पी एस का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, और हमें ये भी पता है कि नॉन पैरेलल साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो इसमें भी आप दोनों को 2 पी आर का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 पी क्यू इंटू आर एस। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 4 पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी 4 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू इंटू पी एस।
आर एस, तो टू कॉमन निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट बचा, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचा यहाँ से, टू पी एस स्क्वेयर टू पी आर स्क्वेयर प्लस पी क्यू इंटू आर एस, ठीक है। आपको ये याद रखना है बस, ये रिजल्ट है। आपको इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन वो मिस कर देगा और उसके बारे में पूछेगा, आपको ये वाला रिजल्ट पता हो बस, ठीक है। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम चलेंगे इसके मेंसुरेशनल पार्ट की तरफ। ये थोड़ा सा जो भी था ये जियोमेट्रिकल पार्ट था, ठीक है। सो मेंसुरेशनल पार्ट में सबसे पहले इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ए बी सी एंड डी, तो अगर मैं ए से सी को ज्वाइन कर दूं तो एक ट्राइंगल तो मेरे पास ये बन गया ए डी सी और एक बन गया ए बी सी, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया मैं फाइंड करूं तो ये इसकी हाइट होगी एच, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी का अगर मैं एरिया फाइंड करूं तो क्या होगा, हाफ बेस क्या होगा बी सी इंटू हाइट, ठीक है। और ट्राइंगल ए डी सी का अगर एरिया फाइंड करें ए डी सी तो हाफ बेस, बेस इसका कौन सा है ए डी, और हाइट यही होगी जो नीचे वाले ट्राइंगल की है, क्योंकि हाइट तो यही है ना, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, तो हाइट कॉमन है इनकी, ठीक है। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज को ऐड कर दें तो हमारे पास ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी, दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ तो कॉमन आ जाएगा और हाइट भी कॉमन आ जाएगी, और ए डी प्लस बी सी, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। और इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए बी, ठीक है। और एक रिजल्ट जो आपको याद रखना है, हमारे पास गिवन एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, और यहां से मैंने मिड पॉइंट से एक हाइट डाल दी और ये एक हमारे पास ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया ए बी सी एंड डी बी डी बेस पे, ठीक है, ये बी डी बेस पे हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया और इसका एरिया है ए, इसका एरिया है बी और इसका एरिया है सी। तो हमेशा याद रखना कि एरिया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। जो ये वाला एरिया होगा ये दोनों एरिया के सम के इक्वल होगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट से होगी ये वाली लाइन, ये याद रखना। और एक रिजल्ट है, अगर इसको हम इरेज कर दें और ये होगा सी, ये ए और बी, ठीक है, ये भी एरिया है। और इसका रिजल्ट क्या होगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ये वाला एरिया इन दोनों एरिया के सम के इक्वल होगा हमेशा,
ठीक है, ये रिजल्ट है, आप सीधा सीधा याद रख लेना। कई बार ऐसा हो सकता है इसका एरिया देके इसका देके ये वाला पूछे, तो आपको बस एक बार ये बात पता हो, आपके माइंड में हो, तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ भी, क्वेश्चंस के थ्रू हम कंसेप्ट करते हैं। तो अब हम इसके ट्रापेजियम पे डिफरेंट डिफरेंट जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी कंसेप्ट बनते हैं, तो वो हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो जस्ट एरिया फाइंड करने के लिए, जो बेसिक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसी में बस वैल्यूज पुट करके। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 20 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें एक ट्रेपीजियम गिवन है और उसकी पैरेलल साइड्स हैं जो वो है 25 एंड 20, और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, तो इनके बीच जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, अल्टीट्यूड, हाइट होगी। तो अभी हमने किया था कि एरिया का फॉर्मूला, उसने पूछा एरिया क्या है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड्स का सम 45 इनटू हाइट, हाइट हमारे पास कितनी है 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 450 का हाफ 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल था और बिल्कुल बेसिक, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रेजुअली बने। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू, द टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम ऑफ एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, मेजर 45 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। तो हमें गिवन क्या है, एरिया गिवन है और दो पैरेलल साइड्स की डायमेंशन उसने दे दी और हमसे पूछ लिया कि हाइट बताइए। ठीक है, उसी एरिया के फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, तो जो दो पैरेलल साइड्स हैं इनका सम 80, और हाइट हमारे पास नहीं है, हाइट को हमने एच ही कंसीडर कर लिया, और एरिया हमें गिवन है 400। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास हाइट आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा बस उससे थोड़ी सी चेंज है, थोड़ा सा मोल्ड किया था, उसमें हमने एरिया पूछा था तो सेकंड में उसने पूछ लिया हाइट। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम इज 3:2। ठीक है, जो पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपीजियम की उसकी हमें रेशियो गिवन है 3:2। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब लेंथ। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया भी उसने दे दिया कि जो ट्रेपीजियम है उसका एरिया है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया हमें गिवन है 450, और क्या गिवन है, हाइट, तो हाइट भी हम यहां पे पुट कर देंगे 15, और क्या गिवन है 3:2। 3:2 का क्या मतलब है, 3x + 2x। ठीक है, और अब हमें इसको सॉल्व करना है, बस 5 से ये कट हो जाएगा 30, और ये कितना आ जाएगा 5x = 30 * 2, और ये भी कट होके आ गया हमारे पास 6 * 2 = 12। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास 12 आ गई, तो ये थी 3x, ये कितनी होगी 36, और ये सेकंड वाली होगी 24, और इसका सम आ जाएगा हमारे पास 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है, जब रेशियो में हो तो उसके साथ आप एक वेरिएबल ऐड कर लीजिएगा कॉमन। ठीक है, दोनों तरफ ही एक्स और एक्स, या वाई और वाई, जो भी आपको ठीक लगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर, द डिफरेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 8। जो दो पैरेलल साइड्स हैं उनका डिफरेंस हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 38 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज
950 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो हमें गिवन क्या है, दो पैरेलल साइड्स का डिफरेंस और एक हाइट भी गिवन है और हमें एरिया भी गिवन है। और पूछा क्या है उसने, लेंथ पूछी है, ठीक है, लेंथ पूछी है जो पैरेलल साइड्स हैं। तो जैसे अभी हमने किया था, हमें फॉर्मूला तो पता ही है कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाइट हमारे पास कितनी है 38 और एरिया हमारे पास कितना है 950, ठीक है। तो इससे हम कट करेंगे तो हमारे पास आ गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हमारे पास आ गया 50 और डिफरेंस हमें गिवन है वो है 8, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें तो हमारे पास 2a आ जाएगा 58 और एक साइड हमारे पास आ गई 29 और दूसरे वाली कितनी आ जाएगी 29 है और 50 में से आप 29 माइनस कर दो तो सेकंड साइड हमारे पास आ जाएगी 21, बी हमारे पास आ जाएगी 21, ठीक है। ये भी सिंपल ही था, बस सिंपल हमने फॉर्मूले में पुट किया और कुछ नहीं, डिफरेंस गिवन था और सम हमें मिल गया और डिफरेंस मिल गया। तो हमारे पास एक साइड 29 आ गई और सेकंड वाली इसमें से माइनस करके 50 में से 29 और सेकंड वाली 21 आ गई, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कैनल इज अ ट्रेपीजियम इन शेप। जो कैनल है उसका जो क्रॉस सेक्शन है जहां पे आके पानी का बहाव इकट्ठा होता है तो वो एक क्रॉस सेक्शन बनता है, तो वो ट्रेपीजियम की तरह है। इफ द कैनल इज 20 मीटर वाइड, जो कैनल है वो 20 मीटर वाइड है एट द टॉप एंड 12 मीटर वाइड एट द बॉटम, मतलब उल्टा ट्रेपीजियम मान लो इसे इस तरह से, यहां से 20 है और यहां से 12 है। एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 640 मीटर स्क्वेयर। तो इस सारे क्रॉस सेक्शन का एरिया उसने बता दिया 640 मीटर स्क्वेयर। फाइंड द लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन की लेंथ पूछी है तो आपको सीधा सीधा पता है कि इसकी हाइट ही पूछी है उसने, ठीक है। ये क्वेश्चन की एक फॉर्मेशन ही है, पूछना वो हाइट ही चाहता है, उसने डायरेक्टली नहीं पूछा, उसने क्या पूछ लिया हमसे, लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट एंड 640 हमें एरिया गिवन है, ठीक है। और इसका सम करेंगे तो 32 से ही कटेगा 20 आ गया, तो हाइट हमारे पास आ गई 40 मीटर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो क्रॉस सेक्शन है उसकी लेंथ, लेंथ कितनी है 40 मीटर, ठीक है। ये पूछना इसमें वो लेंथ ही चाहता था लेकिन उसने थोड़ा सा मोल्ड करके पूछ लिया, मतलब क्वेश्चन को किसी और फॉर्मेशन में डाल दिया। तो आपको बस इतनी सी अवेयर रहना है, इतना अवेयर रहना है कि आपको एटलीस्ट इस बात में कन्फ्यूजन ना हो कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। सो नाउ हियर इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। इन द ट्रेपीजियम द टू नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। नॉन पैरेलल साइड्स उसने बोला इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है, वो आइसोसेल्स ट्रेपीजियम की बात करेगा। इन द लेंथ एंड ईच बींग 5 यूनिट, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उसकी लेंथ उसने दे दी 5 यूनिट है। द पैरेलल साइड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, जो उनके बीच डिस्टेंस है वो है 3 यूनिट, ठीक है। स्मॉलर साइड इज 2 यूनिट, जो स्मॉलर साइड है वो 2 यूनिट है। और हमें फाइंड क्या करना है, देन द सम ऑफ डायगनल्स ऑफ ट्रेपीजियम, हमें डायगनल्स का सम के बारे में पता करना है। तो आप एक बात याद रखना हमेशा कि अगर आइसोसेल्स ट्रेपीजियम है, ठीक है, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम है और ये 2 हमें गिवन है, ठीक है, तो और उसने बताया ये 5, तो अगर यहां से हम हाइट ड्रॉ करें और यहां से भी, तो ये भी क्या होगी 2 होगी, ठीक है। इसी के जो वर्टिसेस थे वहां से मैंने ड्रॉ कर दी हाइट, तो ये भी नीचे वाली भी 2 होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया क्योंकि हाइट है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हम डालेंगे तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो ये ट्रिपलेट बन गई। तो हाइपोटनीज ट्रिप अगर 5 हो तो दूसरी दो साइड्स क्या होती हैं,
ये हमारे पास 4 होगी और ये 3 होगी, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी ये हाइट, ठीक है, हाइट हमें गिवन थी, तो ये ट्रिपलेट बन गया 5, 3 और 4, ठीक है। और इस साइड भी क्या होगा 4, और इसका उसने इसकी डायगोनल्स का सम पूछा है। तो आप ये वाला ट्राइंगल अगर हटाकर, ठीक है, लेफ्ट वाला ट्राइंगल है, अगर इसको हटाकर हम यहां पे प्लेस कर दें ऐसे, तो एरिया में क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और ये साइड कितनी हो जाएगी, ये एक रेक्टेंगल बन गया, ये 6 होगी हमारे पास, ऊपर भी हमारे पास ये 6 होगी, और ये हमारे पास हाइट है 3, ठीक है। सिर्फ 5 को हमने ट्रिपलेट के लिए यूज किया था, और अब हमारे पास रेक्टेंगल बन गया 6/3 का। और रेक्टेंगल की अगर हमने डायगोनल फाइंड करनी हो तो हमें पता है कि एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का अंडर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45। तो 45 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायगोनल आ गई 3 अंडर रूट 5। तो ये एक डायगोनल है, तो दोनों डायगोनल्स का सम क्या होगा, इसको चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ बोथ डायगोनल 6 अंडर रूट 5। ये वाला कंसेप्ट याद रखना है, ये आइसोसेल्स ट्राइंगल पे लग सकता है, सॉरी आइसोसेल्स ट्रेपीजियम पे लग सकता है। आपको ये ट्राइंगल उठाकर यहां पे प्लेस कर देनी है उल्टी करके, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, पूरे का पूरा रेक्टेंगल। तो आप रेक्टेंगल का अगर एरिया फाइंड करोगे और जो ये ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करोगे, वो दोनों सेम होंगे। जो अगर डायगोनल भी फाइंड करोगे तो डायगोनल ऐसी होगी ना, ठीक है। और आइसोसेल्स ट्रेपीजियम का भी हमने प्रॉपर्टी में किया कि दोनों डायगोनल सेम होती हैं। आपको ये डायगोनल फाइंड कर ली हमने और दूसरी भी सेम है, तो हमने सेम ही ऐड कर दिया और हमारे पास दोनों डायगोनल्स का सम आ गया 6 अंडर रूट 5, ठीक है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7। इन दैट ज्वाइनिंग फिगर ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इज 3 times DC। तो जो हमें बोला उसने AB, वो हमें गिवन है कि 3 times है DC का। ये दोनों AB और DC पैरेलल भी हैं और AB 3 times है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो AB और DC की रेशियो है वो है 3:1, मतलब ये 1 है तो ये 3 है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ AOB AOB एंड COD, दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज की रेशियो उसने पूछी है। तो हमने ये जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज में किया था कि दो ट्राइंगल्स की अगर हमें साइड गिवन है तो इनके एरियाज की रेशियो क्या होगी, इनका स्क्वायर, जो AOB है और COD, इसका एरिया होगा 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये रेशो आ जाएगी 9:1। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको जियोमेट्रिकल पार्ट पहले करवाता हूँ, क्योंकि अब अगर आपको ये बात पता है कि साइड्स की जो उसने रेशो दी है, चाहे साइड्स भी गिवन होती, चाहे ये 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर होता, तो एरिया हमें पूछा जाता तो 3 का स्क्वायर इसका 9 होता और इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद रखनी है बात, क्योंकि ये हमने स्टार्टिंग में किया था कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉमन बेस पे हों, ये भी आपको बता देता हूं, दो ट्राइंगल्स कॉमन बेस विद कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, इनका बेस भी कॉमन है, मतलब ACD और OCD, ACD ये बड़ा ट्राइंगल और OCD, तो इनका बेस सेम है और कॉमन वर्टेक्स है, तो जो इसकी साइड्स होगी इक्वल रेशो में होगी, ठीक है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रापीजियम ABCD वेयर द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड DOC इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इस वाले ट्राइंगल का एरिया दे दिया AOB और नीचे वाले का DOC का, ठीक है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, तो उसमें हमने किया था ये प्रॉपर्टी है
कि जो भी इन दोनों ट्राइंगल का एरिया होगा तो इसकी साइड्स की अगर हमने रेशियो फाइंड करनी है तो क्या होगी, वो इसका अंडर रूट 1 और 9 का अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये साइड भी 3 होगी, ये साइड भी 3 और ये 1 और ये भी 1। ठीक है, तो अब हम इनमें से इस पोर्शन का हमने फाइंड करना है एरिया ए ओ सी, तो ये वाला ट्राइंगल हम लेंगे अभी। ठीक है, तो इसकी रेशो कितनी होगी, इसकी साइड्स की 3:1, 3:1 ही होगी। क्यों? क्योंकि जो ट्राइंगल ए बी सी है और ए ओ बी है, इनका जो बेस है वो कॉमन है और इनका वर्टेक्स भी कॉमन है। अगर बेस और वर्टेक्स कॉमन हो किसी भी दो ट्राइंगल्स के, तो उनका जो एरिया होता है वो इक्वल रेशो में होता है, उनकी साइड की रेशो में ही होता है। ठीक है, और इनकी साइड्स की रेशो हमें गिवन है 3:1। तो अगर 1:1 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 3:1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसे फिर से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो अब हमें बी ओ डी का एरिया फाइंड करना है, ये हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम बी सी को इरेज कर देंगे इस वाली पोर्शन को। ठीक है, तो हमें ये तो बताया ना इसका एरिया, सॉरी इसकी जो रेशो है ये 1:3 है। ठीक है, तो 3:1 की वैल्यू कितनी है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1:1 की कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कंप्लीट एरिया मिल जाएगा, इसको सारे को हमने ऐड कर देना बस। ये भी हमने फाइंड कर लिया था, ये हमें गिवन था, तो इसका पूरे का एरिया कितना हो गया, 9, 6 + 1, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप सिमिलैरिटी रूल से आप इसे वर्बली भी कर पाओगे, जब आपको सिमिलैरिटी रूल ये समझ आ जाएगा। ठीक है, विद कॉमन बेस एंड कॉमन वर्टेक्स, दो ट्राइंगल्स का हो तो उनकी जो साइड्स की रेशो होती है वही उसके एरिया की रेशो होती है। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी वेयर द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस वाले ट्राइंगल का, एंड एरिया ऑफ डी ओ सी इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों के एरियाज हमें गिवन है। ठीक है, हमें पूरे ट्रेपीजियम का फाइंड करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, इनकी साइड्स की रेशो फाइंड करेंगे, क्योंकि कॉमन बेस विद कॉमन वर्टेक्स, तो साइड्स की रेशो क्या आ जाएगी, 1:2। ठीक है, साइड्स की रेशो इनके एरिया की रेशो के इक्वल ही होगी, 1:2। तो इसकी साइड्स 2 होंगी, इसकी होगी 1। ठीक है, रेशो में तो फिर पहले जैसे हम इस ट्राइंगल को इरेज कर देते हैं, हमारे पास बचा ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, तो इसकी रेशो क्या है, 1:2। ठीक है, तो अगर 2 की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 की क्या होगी, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं उसे, ये हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे, इसकी रेशो भी क्या है, 1:2। ठीक है, अगर 2 की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू 1 की कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास पूरे ट्रेपीजियम का एरिया आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन था, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर भी गिवन था, सेकेंड वाला हमने फाइंड किया, और 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा टोटल ट्रेपीजियम का एरिया 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस सिमिलैरिटी रूल से आप देखते ही इसको वर्बली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी वेयर द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी इज 9 सेंटीमीटर एंड ए बी इज 2 सेंटीमीटर एंड डी सी इज 6 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है। ठीक है, पैरेलल्स जो साइड्स हैं उनकी हमें डायमेंशन भी गिवन है और ए ओ डी का एरिया भी गिवन है। इसको भी हम जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सिमिलैरिटी रूल से ही वर्बली करेंगे। ठीक है,
अब हमें पता है कि जो इसकी साइड्स हैं उनकी रेशो क्या होगी, 1:3, ठीक है। तो ये भी 1 होगी और ये भी 1 और ये 3 और ये वाली 3, ठीक है। तो हम पहले ये वाला ट्राइंगल उठाएंगे, ट्राइंगल ए डी एंड सी, ठीक है, ए डी एंड सी। तो इनके बेस की रेशो क्या है, 1:3, और अगर 1:3 की वैल्यू 9 है तो 3:3 की कितनी होगी, 9 × 3 27 cm². तो हमारे पास डी ओ सी का एरिया भी निकल आया, ठीक है। तो अब हम इस ट्राइंगल को ले लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी को, अगर ये भी होगा 1:3, तो अगर 3:3 की वैल्यू 9 है तो 1:3 की कितनी होगी, 3 cm², ठीक है। अब हम इसको ले लेंगे, इस वाले ट्राइंगल को ए बी सी, ये भी होगा 1:3, अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की कितनी होगी, 9 cm². ये याद ही रख लेना, जो ये ओपोजिट है ए ओ डी और बी ओ सी, इनका एरिया सेम ही होता है, अगर ये 9 है तो ये भी 9 ही है। तो अब ट्रेपीजियम पूरे का एरिया फाइंड करेंगे हम, 9 + 9 = 18, 18 + 3 = 21, 21 + 27 = 48 cm². ये आप कम से कम समय में कर पाओगे, अगर आपको ये सिमिलैरिटी रूल अच्छे से आता है तो, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी बार बार, ठीक है। सो हेयर इज अवर क्वेश्चन नंबर 11। देयर इज अ साइक्लिक ट्रापीजियम, इट हैज अ मिड पॉइंट सेगमेंट 13 cm एंड इट्स एरिया इज 52 cm². एरिया भी गिवन है, वन ऑफ इट्स बेस इज 10 cm एंड फाइंड इट्स पेरीमीटर। उसने हमें हमसे पेरीमीटर पूछा है, एरिया भी गिवन है और मिड पॉइंट सेगमेंट, और ये भी बोला हुआ है कि ये क्या है, एक साइक्लिक ट्रेपेजियम, ठीक है। साइक्लिक ट्रेपेजियम से आपके माइंड में क्या आएगा कि ये है एक आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। आइसोसेल्स और साइक्लिक क्या होते हैं, सेम, ये हमने जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज में अभी किया था। तो ये हमें एक वाली साइड भी गिवन है, ठीक है, और मिड पॉइंट सेगमेंट, जो दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हैं, ये वाली हमें गिवन है 13 cm। तो ये भी हमने जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज में किया था कि अगर हमने मिड पॉइंट सेगमेंट की लेंथ फाइंड करनी है तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स उसका हाफ, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी और इसको सी एंड डी, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 हमें गिवन था और सी डी हमें नहीं गिवन, ठीक है, सी डी हमें पता चल जाएगा। और जो हमने मिड पॉइंट सेगमेंट है, ई एफ की लेंथ भी हमें गिवन है, ठीक है। तो सी डी हमारे पास कितनी आ गई, 16, ये हमारे पास आ गई 16, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ए से परपेंडिकुलर डाल दें और बी से ही परपेंडिकुलर डाल दें तो ये 10 है, तो बीच में भी क्या बचेगा, 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3, एंड इधर भी बचेगा 3। अगर हम, मैंने आपको बताया था कि आइसोसेल्स ट्रेपेजियम को रेक्टेंगल में चेंज कर सकते हैं, तो ये वाला पोर्शन यहां से हटा के अगर हम यहां पे उल्टा दें, उल्टा कर दें, ठीक है, ये भी होगी 3, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया, ये भी 13 आ गई और ये भी हमारे पास 13 आ गई, ये भी पूरी, मतलब इसका कुछ पोर्शन ये इधर कट गया तो वो इस साइड आके ये भी पूरी 13 ही होगी, ठीक है। तो हमारे पास एरिया गिवन है, एरिया उसने कितना बोला है, 52 cm। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है बेस इनटू हाइट, बेस हमारे पास है 13, हाइट हमारे पास नहीं है क्योंकि चाहे इसको लेंथ इनटू ब्रेथ बोलो, क्योंकि ब्रेथ भी 90° पे होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमने की है तो वो हाइट ही होगी, तो वो होगी 52 cm² एरिया हमारे पास, और हाइट हमारे पास आ गई 4 cm². तो ये हाइट भी आ गई हमारे पास 4, ठीक है। तो अब हम वापस से इस ट्राइंगल पे जाएंगे जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अब हमें इसका, इस रेक्टेंगल को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ,
हाइट भी हमें मिल गई ट्रेपीजियम की, और ये वाली साइड 3 है, तो ट्रिपलेट से ये क्या होगी, 5। ठीक है, हाइपोटनीज 5 होगा, ये 4 और 3 होगी। तो अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे, पेरीमीटर क्या होगा, 16 एक साइड और एक 10 और 2, ये 5 और 5, तो इसका पेरीमीटर हो गया 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें दो तीन कंसेप्ट लगे, एक तो लग गया मिड पॉइंट सेगमेंट वाला, ठीक है, दूसरा ये आइसोसेल्स ट्रेपीजियम था, तो इसको हमने रेक्टेंगल में चेंज करके हाइट भी पता कर ली, ठीक है, और तीसरा इसका पेरीमीटर फाइंड करना था, हमने पाइथागोरस भी लगा ली। ठीक है, तीन कंसेप्ट इसमें मर्ज थे। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 12। इन एन आइसोसेल्स ट्रेपीजियम एबीसीडी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड डायगोनल ए सी इज 6 सेंटीमीटर एंड एंगल सी ए बी इज 60 डिग्री, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, हमें एक ट्रेपीजियम गिवन है और उसकी हमें डायगोनल गिवन है, डायगोनल है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है ए सी, ये ए है और ये सी, और एंगल भी गिवन है सी ए बी, ये है हमारे पास 60 डिग्री। तो अगर हम सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, इसको हम ई ई नाम दे दें इस पॉइंट को, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ए ई सी। ठीक है, ट्रायंगल ए ई सी, तो अगर यहां पे हम कोसाइन रूल लगाएं, कोसाइन रूल लगाएंगे तो हमारे पास कोसाइन में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटनीज, तो cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो हमारे पास ए ई आ जाएगा, हमारे पास बेस आ गया, सॉरी हमारे पास बेस कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम इस पे लगाएं sin 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3√2 sin 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनीज। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। अगर हम इस ट्रायंगल को उठाकर इधर को प्लेस कर दें, तो हमारे पास बेस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट है हमारे पास 3√3, तो इसका एरिया क्या होगा, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने कॉस और साइन दोनों लगा के, पहले तो हमने बेस फाइंड किया, फिर हमने परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया, और फिर हमने ये आइसोसेल्स ट्रेपीजियम था लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो हमने इसे रेक्टेंगल में चेंज कर लिया, और ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये एरिया आ गया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कंसेप्ट। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे कंसेप्ट कर लिए, जो वैसे ट्रेपीजियम होता है जिसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होती, उसके भी हमने क्वेश्चंस कर लिए, और जो आइसोसेल्स हैं या साइक्लिक ट्रेपीजियम जिसे हम बोलते हैं उसके भी ऑलमोस्ट कंसेप्ट हमने कर लिए। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करना और इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, कि कोई भी कंसेप्ट आपने क्लियर करना हो, ठीक है, अच्छे से आपको पता ना चला हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।